हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबा कुकरी क्लासेस। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल में शाही पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हम घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। 6 टमाटर हैं, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीएसपी धनिया पाउडर, 1/2 टीएसपी जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड मिर्च, और यहाँ मैंने 2 से 3 सूखी लाल मिर्च ली है कश्मीरी वाली, गरम मसाला 1/2 टीएसपी, 1 टीएसपी नमक और 2 हरी इलायची, 1/2 टीएसपी कसूरी मेथी, 1/4 कप क्रीम, या आप अमूल क्रीम ले सकते हैं, घर की मलाई भी ले सकते हैं, और 1/2 कप दूध। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है मगज के बीज और 10 से 12 काजू के पीस लिए हैं। सबसे पहले मैं काजू और मगज के बीज के अंदर गर्म पानी उबलता हुआ डाल दूंगी और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने दूंगी, ताकि काजू और मगज के बीज अच्छे से गर्म पानी में भीग जाएंगे, और इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैं सारे टमाटर को ऊपर से काट लूँगी, थोड़ा सा क्रॉस लगा दूँगी, ताकि माइक्रोवेव करने के टाइम मेरे टमाटर फटे ना। और इसी के अंदर मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी है। देखिए, इसी तरह से मैंने अपने सारे टमाटर कट कर लिए हैं। अब मैं इसे माइक्रोवेव में 2 से 3 मिनट रखूँगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आपने पानी उबालना है, उसमें टमाटर कट करके डाल देना है, और उसी में आपको कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देनी है। देखिए, 3 मिनट हो गए हैं, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और गल गए हैं। देखिए, अच्छे से मैंने माइक्रोवेव में किया है। अब मैं इसे मिक्सी के जार में डाल दूंगी और इसकी प्यूरी बना लूंगी। देखिए, अच्छे से पीस गया है। देखिए, ये इस तरह से इसका पेस्ट बन जाएगा। अब मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। आप इसे छान भी सकते हैं। अब इसी के अंदर ऐड कर दूंगी मैं टमाटो केचप और इसे मिक्स कर देंगे, और अब मैं इसे साइड पर रख देती हूँ। मैंने काजू भिंगाया था, उसको 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसे छान लेती हूँ। अब हम इसकी फाइन पेस्ट बना लेंगे, और ये जो पानी जिस पानी में भिंगाया था वो पानी यूज़ नहीं करना आपको, ठीक है। इसे मैं मिक्सी के जार में डाल के पीस लेती हूँ। आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि पानी आपको बहुत थोड़ा थोड़ा ही यूज़ करना है। देखिए, ये फाइन पेस्ट मेरा बन गया है, इसे मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। सबसे पहले हम एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें मैं 2-3 टेबलस्पून के करीब मैंने तेल डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी इलायची, अदरक लहसुन का पेस्ट, या आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसे आप सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए भुनेंगे। और इसमें ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरी जो हमने पीस के रखी थी, और इसी में मैंने टमाटो केचप भी ऐड कर दिया था। अब इसे अच्छे से भुनेंगे हम। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं लाल कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम ढककर इसे ऑयल सेपरेट होने तक पकने देंगे। देखिए, ऑयल सेपरेट अच्छे से हो गया है। जब हमारा मसाला और टमाटर में से ऑयल सेपरेट हो जाए, तब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हमारी काजू और मगज की पेस्ट। और काजू और मगज की पेस्ट डालते टाइम आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम लो हो, और आपको उसे लगातार हिलाते रहना है, नहीं तो काजू की पेस्ट फट जाती है। देखिए, अच्छे से आपस में मिक्स हो गया है ये। इसे हम 1-2 मिनट के लिए भुनेंगे, और इसमें 1/4 कप के करीब मैंने पानी डाल दिया है। और अब मैं इसे ढक देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। अब देखिए, इसके अंदर से भी ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है, और ये काजू की पेस्ट भी हमारी अच्छे से पक गई है।
अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं दूध। दूध आपको गाढ़ा अपना कितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से करना है। यहाँ पर मैं आधा कप के करीब दूध यूज़ कर रही हूँ। आप दूध की जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्सचर आता है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं पनीर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं क्रीम, इसमें आप घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे मिक्स करके अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए अब हमारा शाही पनीर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी और गरम मसाला। अब इसे मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। देखिए हमारा शाही पनीर कितना क्रीमी और कितना टेस्टी बना है, और मैंने इसमें कोई भी कलर नहीं यूज़ किया है। अगर इस रेसिपी को लेकर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।